405 और अरुण यहाँ का जो माननीय सांसद चिराग पासवान है और उनके भानोई अरुण भारती जी है, तो दो सीटें वहाँ का है जमुई और हाजीपुर, दोनों को चिराग पासवान ही लेकर के रहे, दोनों में 405 करके रहे। बिहार में पहली बार आ रहे हैं लॉन्च के बाद, मैं उनको पावन पवित्र धरती पर चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। मोदी कलयुग का भगवान है, अभी जो मोदी कर दिए हैं देश में राम मंदिर 370। देखिए किस तरह से भगवान का सारे पूरे शरीर अपने पेट और हाथ में गदा लिए और जय हो जय श्री राम का लगातार नारा लगा रहे हैं, भगवान पेंट कर लिए अपने पूरे शरीर को। चलिए इसी बात करते हैं, मैं बिहार में उत्तराखंड से आया हूँ और ये मेरा 134वां सभा है, 18वीं लोकसभा का जो आगाज हुआ है इस महापर्व पे, मेरा श्री राम बिहार में पहली बार आ रहे हैं लॉन्च के बाद, मैं उनको पावन पवित्र धरती पर चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस बार बीजेपी NDA की सरकार बनेगी और NDA 400 की पार होगी, ये सारे शरीर में पेंट और इसलिए लगाया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह कार्य करते हैं और जो श्री राम की तरह कार्य करते हैं उनका सब काम पॉजिटिव रहता है, सब काम पूरा हो जाता है। जय जय जमुई से ही क्या कर अयोध्या धाम का मतलब राम जन्मभूमि अयोध्या बनाए तो खुश है आप लोग, बहुत बहुत। और क्या और बच्चे लोग 10 सालों में महिला संघ महिला शक्ति जागरूक है, सब बच्चे लोग के जागरूक किए हैं। जमुई के आप रहने वाले ही बताइए, चिराग पासवान सांसद थे 10 सालों से, क्या किए चिराग पासवान जी विकास में, क्या किए आप लोजपा तरफ से आई है, लोजपा पार्टी की कहाँ से आए? जमुई से आए हैं, जमुई से आए, जमुई से। चिराग जी क्या किए आप? हम लोग के लिए बहुत कुछ करने की आशा है, अगर जीत जाएंगे तो हम लोग संस्था बहुत आगे बढ़ाएंगे, जमुई के लिए कुछ करेंगे, बहुत अच्छा से हम लोग उनको वोट देंगे, बहुत अच्छा से हम लोग खुशी से आए हैं, खुशी से आए। 10 साल से तो थे, 10 सालों से तो चिराग जी थे ना, क्या क्या किए हैं जरा बता दीजिए, काम क्या क्या किए हैं जमुई के लोगों के? जमुई के लिए जमुई जिला बना है, हम लोग को बहुत खुशी है और आगे करने के बहुत अच्छा। हम लोग घर से नहीं निकलते थे लेकिन आज फील्ड में उतर गए हैं, नरेंद्र मोदी जी इतना लेडीज के लिए किए हैं कि हम लोग खुले हुए बहुत अच्छा लगता है, और 5 साल जीतेंगे तो और हम लोग की आशा है कि और लेडीज लोग के लिए आप कुछ करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी वर्मा जी और हमारे धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे धरती पर जम्मू की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे और अब की बार 405 और अरुण यहाँ का जो माननीय सांसद चिराग पासवान है और उनके भानोई अरुण भारती जी है, तो दो सीटें वहाँ का है जमुई और हाजीपुर, दोनों को चिराग पासवान ही लेकर के रहे, दोनों में 405 करके रहे। अर्चना रविदास, अरे अर्चना रविदास तो घर जो है सो है, वो भी यहाँ की बेटी है, अर्चना रविदास भी यहाँ की बेटी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ का भानोई भी तो है माननीय अरुण भारती जी, तो हम लोग अरुण भारती जी का समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी बार बीजेपी की 405 इतना प्रेम था कि यहाँ पे 400 के बाद अपने पूरे शरीर को पेंट कर दिया है इन्होंने, भगवा रंग ऑरेंज से अपने पूरे शरीर को और अपने सर पे रखे हुए हैं पहाड़, जिस तरह से हनुमान जी अपने पहाड़ को उठाए और हाथ में गदा, ये देख रहे हैं किस तरह से 400 के बाद और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब ये तमाम पुरुष लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम जमुई लोकसभा से, जमुई लोकसभा से। किसको दे रहे हैं? इस बार 5 लाख पार करेंगे हम लोग, सब सारा अरुण भारती को वोट देने जा रहे हैं,
हाँ, इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, उसके बाद हम लोग अपार बहुमत से इस बार 5 लाख वोट से अरुण भारती को जिताने जा रहे हैं। जिताने जा रहे हैं। चिराग जी क्या क्या चिराग जाने से उनका जीजा जी आए हैं और कद ऊंचा हुआ है ना, उनके वो चले गए तो उनके जीजा जी आए हैं, हम लोग को सम्मान करना है वो अतिथि देवो। चिराग जी जमुई के लिए कुछ नहीं किए, जमुई का जनता नाराज है उनसे। नहीं, अतिथि देवो भाव, वो तो यहाँ के कुटुम्ब हुए ना, अतिथि देवो मतलब उनका सम्मान करना है। अभी कुछ जनता बोल रहे थे कि चिराग पासवान कुछ नहीं किए हैं जमुई के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग बुला रहे हैं। इतिहास रच दिए हैं। क्या रच रहे हैं? मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, रेलवे का लाइन, दो दो वो अमृत भर। हाँ, झाझा से सिमुरतल्ला होते हुए बटिया को जा रही है गिरिडीह, इतिहास रच दिए हैं। आज तक कोई अभी तक देखा नहीं था संसद को। और अभी रोज अर्चना रविदास भी खड़ी है जमुई क्षेत्र से, जमुई लोकसभा से। अरे खड़ा होना सबका काम है, सबका अधिकार है खड़ा होना, लेकिन राजद के आगे टिक पाएंगे कुछ नहीं, कोई नहीं। एनडीए की सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी कलयुग का भगवान है। अभी जो मोदी कर दिए हैं देश में, राम मंदिर 370। देखिए यहाँ पे तमाम महिला लोग जुटी हुई थी, लोग जनसंख्या और लगातार कहना है कि मोदी से हम लोग बहुत ही खुश हैं और 400 की पार और नारा भी लगा रहे हैं लोग की बार मोदी सरकार। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं DTW24।